तारीख 25 अक्टूबर सन 2008, समय रात के 10 बजे, स्थान भारत का एक सुदूर गांव। रात के घुप अंधेरे में एक औरत का पीछा करती चंद परछाइयों ने उसे एक दफ्तर में घेर लिया। कौन थी ये औरत और कौन थे ये लोग जो उसका पीछा कर रहे थे, और इस वक्त किससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी ये औरत? आखिर क्या था राज इस खौफनाक रात का? देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ मेघा। फोन बंद था क्या तुम्हारा? हाँ, बैटरी डाउन है, रात भर में चार्ज भी नहीं लगाई। टीवी ऑन करो जल्दी मेघा। क्या है अमित, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? अरे मेघा बहस मत करो, टीवी ऑन करो। अब क्या नया हंगामा हो गया? एक्सप्रेस न्यूज चैनल लगाओ मेघा, फटाफट। हाँ हाँ लगाती हूँ। के हक के लिए लड़ने वाली जानी मानी समाज सेविका अरुणा सेन की कुछ लोगों ने कल रात हत्या कर दी। हम आपको बता दें कि ये वही अरुणा सेन है जिन्होंने एक समय इस इलाके में चलने वाली कोयला खदानों के खिलाफ मोर्चा खोला था। मेघा, मेघा तुम ठीक हो ना? और जिन्होंने इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों को उनकी जमीन का हक दिलवाया था। हेलो मेघा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों और किसने इस शर्मनाक हत्याकांड को अंजाम दिया है? रमन? दीदी मैं आप ही की राह देख रहा था। कैसे हो रमन? माँ के बिना हम सब लोग कैसे हो सकते? गाँव के हर किसी को तो यही लग रहा है कि उन्होंने अपना सगा खो दिया है कोई। ये अमित है, मेरे साथ काम करता है। नमस्ते। ये रमन है। नमस्ते। यहाँ के मुखिया के सबसे बड़े बेटे। रमन, माँ कहाँ है? पुलिस ने कल शव पोस्टमार्टम के लिए शहर भेजा था, अब एक घंटे पहले ही शव वापिस लाया। मुझे उनके पास ले चलो। यहाँ पे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? दरअसल बागियों ने धमकी दी है,
कि गांव का कोई भी आदमी अरुणा माँ की अंत्येष्टि में शामिल नहीं होना चाहिए, वरना वो उनकी हालत भी माँ जैसे करेंगे। बाकी कैसे धमकी दे सकते, वो तो माँ की इज्जत करते थे, वे देवी मानते थे। 3 साल में सब कुछ बदल चुका है दीदी, अपना ये गांव वो पुराना वाला गांव नहीं रहा। आइए। काकी, ये क्या हो गया मेरे, हम सब पे कैसे विपदा आ पड़ी। काका बस बेटा, बस भगवान देख रहा है बेटा। दीदी माँ, ये मेरी मेघा, क्या हो गया, रोना बंद करो, बुरा सपना आया मेघा? कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें किसी चीज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। माँ, दिल्ली के मास कम्युनिकेशन कॉलेज में जर्नलिज्म का कोर्स है, मैं वही हॉस्टल में रहूंगी और पत्रकार बनकर ही लौटूंगी। आज से तू आजाद है अपना निर्णय खुद लेने के लिए, अपनी गलतियां करने के लिए और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए। जिंदगी ऐसे जीना बेटा कि हमेशा खुद से नजर मिला सके, और चाहे जो हो जाए खुद को कभी अकेला मत महसूस करना। बस बस मेघा अरुणा की सगी बेटी तो नहीं थी, लेकिन उनका रिश्ता माँ बेटी से कम भी नहीं था। वही ममता और वही प्यार जो किसी भी पारिवारिक रिश्ते में होता है, और इसीलिए अरुणा माँ की हत्या मेघा के लिए एक ऐसा जख्म था जो कभी भर तो नहीं सकता था। लेकिन हाँ, कातिलों की गिरफ्तारी उस पर मरहम का काम जरूर कर सकती थी। इसलिए मेघा ने संकल्प लिया कि वो किसी भी हालत में अपनी माँ के हत्यारों को पकड़वा कर रहेगी, और इसके लिए उसे चाहे कोई भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन वो ये सब कैसे करती, क्योंकि बागियों की धमकी के बाद अब गांव का कोई भी शख्स उससे बात तक करने को राजी नहीं था। आखिर मेघा इस हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझाती, जिसकी कड़ियां इतनी बुरी तरह से उलझी हुई थी। चाकुओं से गोद गोद कर मारा गया आपकी अरुणा माँ को। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार डेड बॉडी में 22 घाव मिले। हो ना हो, ये बागियों का काम है। जहां पर डेड बॉडी मिली वहां पर बागियों द्वारा लिखे ये पोस्टर फैले हुए थे। और फिर अरुणा जी को मारने के बाद बागियों ने दफ्तर में आग लगा दी और तिजोरी में पड़ा सारा कैश चुरा लिया। वैसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, कि बागी क्रांति छोड़ के चोरी चकारी कब से करने लग गए? बागी हैं, अब बागियों का कोई ईमान धर्म तो होता नहीं। हाँ, और पुलिस का होता है। ए! बागी और पुलिस दोनों का ईमान धर्म बहुत देखा है इंस्पेक्टर, अब अपनी बात कहिए। इस गाँव के आदिवासी उन्हें माँ या देवी करके पुकारते थे, यहाँ तक कि बागी भी उन्हें माँ कह के पुकारते थे। तो मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि बागियों ने उनका खून किया है। आप तो बड़ी सहन होती है इन बागियों से, आपको अंदाजा है ये बागी लोग किस किस्म के होते हैं? है, और आपसे ज्यादा अंदाजा है। अब जिस थाने में बैठे हैं ना, 7 साल पहले इसे और कोयला कंपनी के दफ्तर को बागियों ने बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, बागी ने आपके इंस्पेक्टर को किडनैप किया था, और वो अरुणा माँ थी जिनके वजह से उसकी जान बची थी, और ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ था। माँ ने अपनी सूझबूझ से आदिवासियों को सही रास्ता दिखाया। आदिवासियों ने हिंसा का साथ ना देते हुए जन आंदोलन करने का फैसला किया। 3 साल तक गाँव वालों ने कंपनी और सरकार के गलत निर्णय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उन 3 सालों में गाँव वालों ने किसी भी बाहर वाले को यहाँ आने नहीं दिया। उस दिन के बाद आदिवासी उन्हें अरुणा जी या अरुणा दीदी नहीं, अरुणा माँ के नाम से बुलाने लगे। यहाँ तक कि बागी भी उन्हें अरुणा माँ ही बुलाते थे। 3 साल की लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोयला कंपनी ने माँ की सारी शर्तें मानी और आदिवासियों के साथ अनुबंध किया। तब कहीं जाके यहाँ कोयला खदान खुली,
बागियों की दुश्मनी कंपनी से थी, माँ से नहीं। बागी माँ के दुश्मन नहीं थे। तहकीकात करना हमारा काम है मैडम जी, खून किसने किया नहीं किया ये आपसे बेहतर हम जानते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, न्यूज चैनल के लिए काम करती हूँ। जहाँ पुलिस और सरकार चूकते हैं वहाँ सच्चाई का पता लगाना मीडिया का फर्ज बनता है। आप बस इतना जान लें, जब तक मैं उनके हथियारों का पता नहीं लगा लेती और उन्हें उनके किए की सजा नहीं दिला देती, तब तक मैं इस गांव से कहीं नहीं जाने वाली। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये कौन है? ये जुक्की है, भतीजी है मेरी। ये सभी हमारे रिश्तेदार यहीं पास ही के गांव से आए। चलो बेटा जाओ। हेलो काका, मागे किसी के साथ दुश्मनी थी? अब एक हो तो बताओ बेटा, तुम तो जानती हो ना माँ का स्वभाव, अन्याय उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। जहाँ अन्याय देखा उसके खिलाफ खड़ी हो जाती। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उन्हें खतरा हो? बस है सर, है खदान में काम करने वाले मजदूरों का नेता। दीदी ये बसेसर एक नंबर का गुंडा है, उसने मजदूरों के बस्ती में शराब, वेश्यावृत्ति, जुए जैसे धंधे शुरू किए, और जब माँ को उसके इन धंधों के बारे में पता चला तो माँ ने ये सब धंधे बंद करना चाहा, और इस वजह से उसने माँ को जान से मारने की धमकी दी, और वो भी सब गांव वालों के सामने। श्याम, कमेटी मेंबर में तुम माँ के असिस्टेंट थे, बताओ 25 तारीख को क्या हुआ था? उस दिन माँ सुबह से परेशान थी, फिर करीब सुबह 11 बजे माँ ने बोला कि वो कहीं जा रही है। मैंने पूछा आप कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर करीब दोपहर को 1 बजे वो वापस आई तो काफ़ी घबराई हुई थी। उस दिन उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। फिर शाम के 4 बजे वो दफ्तर से निकल गई, फिर कुछ नहीं बताया। बस उस दिन मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। तो उनका किसी के साथ झगड़ा था या कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी, पर कंपनी वालों के साथ आए दिन झगड़े होते रहते थे। कंपनी के साथ तो अनुबंध हो रखा था, फिर किस बात का झगड़ा? अनुबंध तो था पर कंपनी अपने वायदों से मुकर रही थी। कोयला मजदूरों के आने के बाद कंपनी हर योजना का लाभ आदिवासी और मजदूर दोनों पे बांटने पे जोर देने लगी। अब खाने वाले 10 और रोटी 2, पर असल में सिर्फ एक चाल थी, कंपनी किसी को कुछ देना ही नहीं चाहती थी। मेरी माँ के पास है, उनके जीवन भर की पूंजी। कभी इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मैं इनको कितने बार बोलती रही आप दिल्ली आ जाइए या अपने स्कूल ही चले जाइए, मगर नहीं। कितने कितने दिन बीत जाते थे, बात नहीं कर पाते थे। यहाँ पे काम में बिजी थी और वहां मैं जब आखिरी बार मेरी इनसे बात हुई थी ना, उस वक्त उन्होंने सिर्फ यही कहा था, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। उन्होंने मुझे एक बार भी महसूस नहीं होने दिया कि वो यहाँ पे इतनी परेशानियों में घिरी हुई थी। मुझे गुस्सा आता है खुद पर, क्यों मैं यहाँ पे पहले नहीं आई, क्यों मैं अपनी जिंदगी में जूझ रही थी वहां पर। हर कदम पे तो दुश्मन खड़े थे, बसे सर, कंपनी, नेता, बागी, सबके पास अपनी अपनी वजह थी अरुणा जी को नुकसान पहुंचाने। और इस सब में सच क्या है वो कैसे मालूम चले? इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि इनमें से ही किसी ने उन्हें मारा हो। चलो कम से कम नाम तो पता चला, आगे और भी बहुत चीज पता चल जाएगी।
माफ करना बेटा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आप हमें यहाँ इस तरह उठाकर क्यों ले आए? तो क्या करता, गांव में शहर में चारों तरफ पुलिस ने ढिंढोरा पीट रखा कि माँ का खून हमने किया है। अरे जो सोचना भी हमारे लिए पाप है वो दोष हम पे थोपा जाता। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने माँ को नहीं मारा? हम बागी है बेटा, हम पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है। किसी की बकरी चोरी हो जाए, कहीं नरसंहार हो जाए, पुलिस सारा इल्जाम हम पे लगा देती, पर सफाई मांगने वाले हमसे तो कोई आने वाला नहीं। नहीं, हमने तुम्हें यहाँ कोई सफाई देने के लिए बुलाया। फिर आप हमें यहाँ क्यों ले आए? सचेत करने के लिए, ये बताने के लिए कि जिस चाकू से माँ की हत्या हुई है वो चाकू आदिवासी पारंपरिक हथियारों में से। ये बात पुलिस को भी पता और अब तो हम तक भी पहुँच गई, लेकिन फिर भी अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप कहना क्या चाहते हैं? माँ को मारने वाला कोई अपना ही था, गाँव में से कोई। एक मिनट बेटा, ये लो बेटा, रख लो इसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रख लो बेटा, तुम्हारे काम आए। तुम्हारे चारों तरफ खतरा, भगवान ना करे इसकी जरूरत पड़े, पर अगर पड़ गई तो। रख लो मैं। गांव में कौन हो सकता है? आदिवासी, कोयला मजदूर। आदिवासी उन्हें क्यों मारेंगे? जब 3 साल पहले कंपनी के साथ अनुबंध बना था तो मां खुद गांव छोड़कर जाना चाहते थे, और आदिवासियों ने ही उन्हें रोका था और उन्हें अपने कमेटी का अध्यक्ष बनाया। वो तो उन्हें देवी की तरह पूछते थे। अरे कोयला मजदूर कहीं बागी में भटका तो नहीं रहे? नहीं, मुझे सरदार की आंखों में सच्चाई नजर आती है। दिल नहीं मानता कि वो ऐसे करेंगे। तो फिर तुम ही बताओ कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। दीदी बात सुनिए, दीदी बात सुनिए, दीदी दीदी बात तो सुनिए, सुनिए दीदी। आप क्या करने जा रही हो? आप जानते हो कि बस इससे सही आदमी नहीं है, फिर भी आप उससे मिलने जा रही हो, वो भी उसी के बस्ती में। डरो मत रमन, मैंने इसके पहले भी कई जोखिम भरे इंटरव्यू किए हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। दीदी पर इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि बस इससे नहीं, माँ को फिर तो और भी कारण बनता है उससे मिलने का। दीदी आपकी जान। हमें बसेसर रांची से मिलना है। आपी ने फोन किया था जी। चलिए जी, आप अमित हैं जी, पूछिए क्या पूछने आई हैं आप? मैं अरुणा माँ के हत्या के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरी बस्ती में आकर मेरे से अरुणा जी के बारे में सवाल पूछना चाहती हैं? हाँ। रात देनी पड़ेगी आपकी, तो अभी तक ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं की। आज तक तो पुलिस भी नहीं आई। वैसे पता तो चल गया होगा आपको, मेरे और अरुणा जी के संबंध अच्छे नहीं थे, बार बार झगड़े होते थे हमारे। मैंने तो जान से मारने की धमकी भी दी थी, ये सब तो पता ही होगा आपको जी। तो फिर और क्या पूछने आई? ये देखिए, ये अरुणा माँ के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स हैं। 25 तारीख ठीक 10 बजे आपने उनसे बात की थी।
ये आप ही का नंबर है ना? काफी पक्की तैयारी के साथ आए हैं आप लोग। बाहर का रास्ता याद है ना? यहाँ तक तो आ गई हैं आप, वापस निकल पाएंगी? 25 तारीख की सुबह अरुणा माँ से आपकी क्या बात हुई थी? अरे अरुणा माँ को नहीं मारा मैंने, मैं लेवा लीडर, मजदूरों का लीडर। जिस तरीके से मुझे बदनाम किया गया कि मैं गुंडा हूँ, इस बस्ती के सारे काले धंधे मैं चलाता, वो सब झूठ। मैं सिर्फ अपने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ता हूँ, जो कि इस बस्ती का बच्चा बच्चा जानता है। अगर आपने अरुणा माँ को नहीं मारा तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, 25 तारीख की सुबह अरुणा माँ से आपकी क्या बात हुई थी? मान सकती है तो मानिए, आपकी माँ मेरी मदद चाहती थी, वो इस बस्ती में आकर मुझसे मिलना चाहती थी। अरुणा माँ को आपसे मदद की जरूरत क्या पड़ गई? कोई बड़ा भांडा फोड़ना चाहती थी और बहुत डरी हुई थी, यहाँ तक कि फोन पे उनकी आवाज में डर सुनाई पड़ रहा था। वो उस दिन यहीं खड़ी थी 25 तारीख की सुबह को, जहाँ अभी आप खड़ी। मैंने उनकी मदद भी की, मैं खुद उनके साथ बस्ती गई। अरुणा जी 25 के सुबह भैया के साथ यहाँ आई थी और ये बाजू वाले मनोहर ड्राइवर के बारे में कुछ जानना चाहती थी। मनोहर कोयला कंपनी में ट्रक चलाने का काम करता था, वो यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। कुछ 15 दिन पहले उससे एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक कंपनी का इंजीनियर सुभाष कश्यप मारा गया। तभी से मनोहर और उसका परिवार यहाँ से फरार है। माँ आपसे क्या जानना चाहती थी? यही कि मनोहर कैसा आदमी था, कि लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, एक्सीडेंट वाले दिन कोई उससे मिलने आया था या नहीं, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन उसका परिवार कब फरार हुआ। तो आपने उन्हें क्या बताया? सच बताया, एक नंबर का बेवड़ा आदमी था मनोहर, गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, घर पर भी बीवी के साथ रोज झगड़ा करता था। इतना तो मुझे याद नहीं कि उनसे कौन कौन मिलने आया था। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ मैं 5 बजे घर आ गई तो ये ताला यहाँ लग चुका था। बस इतनी ही बात की अरुणा जी ने उस दिन और फिर चली। अभी कुछ 12:30 बजे मैंने उस दिन अरुणा जी की मदद की थी और आज आपकी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आदिवासियों और मजदूरों के बीच झगड़ा बढ़े। और हो सके तो आप अपने आदिवासी भाइयों को जरा समझाइएगा, हमारा आदमी आपको यहाँ से बाहर तक छोड़ दे। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था इस केस की पेचीदगियां और भी बढ़ती जा रही थी। अरुणा माँ के हत्यारों का तो दूर, अब तक उनके दुश्मनों का भी ठीक से पता नहीं चल पाया था, ताकि उन्हें शक के दायरे में लिया जा सके। ऐसे में मेघा और अमित के लिए इस कत्ल से जुड़े सुरागों को ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। इसी दौरान 2 नए किरदारों के नाम इस केस से जुड़ने लगे। पहले थे इंजीनियर सुभाष कश्यप, जिनकी अरुणा माँ की हत्या से ठीक 10 दिन पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और दूसरा था ड्राइवर मनोहर, जिसका ताल्लुक उस एक्सीडेंट से। तो क्या इंजीनियर सुभाष कश्यप और अरुणा माँ की मौतों के तार आपस में जुड़े हुए थे? क्या बसेसरनाथ सच बोल रहा था कि अरुणा माँ कोई बड़ा भांडा फोड़ने वाली? क्या था ये बड़ा खुलासा? और इस खुलासे के राजदारों में क्या इंजीनियर सुभाष कश्यप का नाम भी शामिल था? मैं आपको सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अरुणा जी की बहुत इज्जत करता था। अरुणा माँ को जो भी कंपनी से काम होता था तो क्या वो आपसे मिलती थी? जी हाँ। आपके कंपनी के माइनिंग इंजीनियर सुभाष कश्यप, स्वर्गीय जी, स्वर्गीय सुभाष कश्यप, उनको कोई भी काम होता था कंपनी से रिलेटेड तो क्या वो अरुणा माँ से मिलने जाते थे? देखिए मुझे इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं। ये लीजिए, अरुणा माँ के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स हैं, सुभाष कश्यप के एक्सीडेंट के ठीक 1 महीने पहले कम से कम 20 दफा बात हुई थी उन लोगों के बीच में। आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या बातें हुई थी? मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में बात करते थे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके कंपनी के इंजीनियर आपसे मीटिंग के डिटेल्स डिस्कस नहीं करते थे, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपके नीचे काम करने वाले लोग किससे मिल रहे, कहां जा रहे और कंपनी में क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम है खदान चलाना और मुझे अपना काम अच्छी तरह से पता है। इसके बावजूद भी आपकी खदान घाटे में चल रही है, इस पर आपने जो आदिवासियों के साथ अनुबंध किया था और जो शर्तें थी वो तो आपने लागू ही नहीं की अभी तक। और फिर मजदूरों के नेता बसेसर को आपने प्रबंधक कमेटी में शामिल कर लिया ताकि अरुणा माहौर कमजोर हो जाए। आखिर ये सब चल क्या रहा आपकी कंपनी में? पिछले 1 महीने में 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से एक मेरी माँ थी। कहना क्या चाहती हैं आप? चाहती क्या है आप कहना? मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, 3 डिग्रियां हैं मेरे पास, और अगर आपको मुझ पर इल्जाम लगाना है तो पुलिस में जाइए, और अभी के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे ऑफिस से निकल जाएं। आप जो छुपाना चाहते हैं ना वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा, सच सबके सामने आकर ही रहेगा।
हाँ दीदी, सुभाष कश्यप नाम के इंजीनियर को मैंने 1 से 2 बार दफ्तर में आते जाते देखा है, और उनके साथ एक और इंजीनियर आया करती थी, कोमल नाम था उनका। कोमल, कोमल मैं मेघा हूँ, अरुणा माँ की बेटी, और ये अमित है। कोमल, मुझे अरुणा माँ के बारे में कुछ जानना था। क्या जानना चाहते हैं आप लोग? सच, मेरा हक बनता है सच पर। ये सुभाष है, कंपनी पिकनिक पे मैंने ये फोटो ली थी। सुभाष मेरे ही साथ था जब वो अरुणा जी से मिलने गया था। सुभाष बहुत ही काबिल इंजीनियर था, बेहद ईमानदार। नौकरी शुरू करने के 1 महीने के अंदर ही वो समझ गया था कि हर महीने कई 100 टन कोयले की चोरी हो रही है, और इसीलिए कंपनी घाटे पे चल रही थी। ये देखिए अरुणा जी, कंपनी ने जो आपके साथ अनुबंध किया था उसके अंतर्गत खदान से कोयला रेलवे यार्ड तक पहुंचाने का काम प्रबंधक कमेटी को दिया गया है। अब आपकी प्रबंधक कमेटी के हर रोज कई ट्रक खदान से कोयला लेकर तो जाते हैं, लेकिन वो कोयला रेलवे यार्ड तक नहीं पहुंचता। इससे हर रोज कंपनी को लाखों का नुकसान हो रहा है अरुणा जी, लाखों का। माफ कीजिएगा अरुणा जी, या तो आप खुद इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, या फिर आपकी कंपनी पे बैठे हुए लोग कोल माफिया से मिले हुए। फिर क्या हुआ? अरुणा जी अंदर ही अंदर छानबीन कर रही थी, और वो सुभाष को सच बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले सुभाष का एक्सीडेंट हो गया, और फिर सुभाष के एक्सीडेंट के 1 हफ्ते बाद ही अरुणा जी भी। वैसे भी कंपनी के कर्मचारियों को बागियों से काफी टाइम से धमकी मिल रही है, और जब मुझे अरुणा जी के बारे में पता चला और ये खबर फैली कि इसमें बागियों का हाथ है, तो मैंने इस्तीफा देना ही सही समझा। कोमल एक आखिरी सवाल, क्या सुभाष ने ये बात जीएम को कही थी? हाँ, पर जीएम की इस पे क्या प्रतिक्रिया थी ये मुझे नहीं पता। शुक्रिया। हमारे देश में नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधनों की चोरी काफी बड़े स्तर पर और संगठित तरीके से होती है, और इसमें भी सबसे ज्यादा मुनाफे का धंधा है काले हीरे यानी कोयले का काला कारोबार। जिन प्रदेशों और क्षेत्रों में कोयले की खानों से कोयला निकालने का काम होता है, वहां कोयला माफिया अपना वर्चस्व कायम रखने के संघर्ष में लगे रहते हैं, और इस वर्चस्व की खातिर ये किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकते। जाहिर है ये सब कुछ कोयले के कारोबार से होने वाली काली कमाई के लिए होता है। हमारे देश में कोयला माफिया हर साल हजारों टन कोयला चोरी करते हैं, और दुर्भाग्यवश इसके तार ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़े। तो क्या अरुणा माँ इसी माफिया की सच्चाई को उजागर करना चाहती थी, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ है जो हमें समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि सच्चाई हमारे आंखों के सामने है और हमें दिखाई नहीं दे रही। मैं हैरान हूँ कि माँ के कातिल कौन लोग हो सकते हैं। बागियों से मिलने पर लगा कि ये लोग अरुणा माँ के कातिल नहीं हो सकते। कामगारों के नेता बसेसर से मिलने पर वो भी निर्दोष लग रहा था। कोयला खदान के जीएम से मिलने पर भी निराशा ही हाथ लगी। तो आखिर माँ के कातिल कौन लोग हो सकते हैं? अमित, अमित, तुमने सुभाष कश्यप के एक्सीडेंट के बारे में पुलिस से बात की थी? हाँ, की थी ना। तुमने उनसे पूछा था कि कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था? 5:30 बजे उसका एक्सीडेंट हुआ था, और 5 बजने से पहले पहले मनोहर का परिवार फरार हो चुका था। इसका मतलब उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सुभाष कश्यप की हत्या हुई थी। क्या बोल रही हो, हत्या? हाँ, और इस बात का शक माँ को हुआ होगा, और उन्होंने बस्ती में जाने का जोखिम उठाया होगा, और जैसे वो बस्ती में पहुंची होंगी उनका शक सच हुआ होगा, और उसी रात उन लोगों ने माँ को भी मार डाला। दीदी, दीदी जल्दी चलिए, वो पुलिस वालों ने मजदूरों के बस्ती से 2 लोगों को उठाया, और उनका कहना है कि उन्हीं ने माँ की हत्या की। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या है? मैडम जी, आपने आने में देर कर दी, गांव वाले इकट्ठा हो गए, आक्रोश इन दोनों को मार डाला। ऐसे कैसे हो सकता है, पुलिस कस्टडी में 2 लोगों की जान कैसे कोई ले सकता है? मैडम जी, अरुणा जी सिर्फ आपकी माँ नहीं थी बल्कि पूरे गांव की माँ थी,
गांव वालों को जब ये पता लगा कि हत्यारे पकड़े गए हैं, वो यहाँ इकट्ठे हो गए और हम कुछ नहीं कर पाए। आप कुछ नहीं कर पाए या आप कुछ करना नहीं चाहते थे? दो लोगों की जान चली गई और हो गया एक बड़ा केस सॉल्व। क्या कह रही हैं आप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, केस बंद हो गया? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आए दिन मैं रोज एक ऐसे केसेस देखती रहती हूँ। ये एक अच्छा तरीका है, किसी बेकसूर को गुनहगार ठहरा कर मार डालो और कह दो हो गया केस खत्म। पर दीदी ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? हाँ मेघा, समझने की कोशिश करूँ, क्या पता ये लोग सही कर। मैं अपनी माँ की ताकत अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई भी ऐरा गैरा उनकी हत्या नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे किसी बड़े ताकतवर इंसान का हाथ ना हो। एक पुलिस वाले के लिए भले ही ये केस खत्म हो गया हो, मगर मेरी तलाश अभी भी जारी है और मैं इसकी तह तक जाकर ही रहूंगी। मेरी माँ का कातिल इतनी आसान सांसें नहीं ले पाएगा। अमित जी, उस दिन बसेसर कहाँ था? आपने आपकी डायरी में लिख लिया था। अरे हाँ, एक सेकेंड। खराश है शायद। चलो डॉक्टर के पास। मेघा, हमें दिल्ली वापस जाना ही होगा, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जब तक कि मैं माँ के कातिलों का पता नहीं लगा लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, वो जो दो हत्यारे लड़के हैं जो थाने में मारे गए, कोयला मजदूर थे। अब सारे मजदूर हमारी जान के पैसे फिर रहे हैं और वो बसे सर उसके आदमी जगह जगह पिस्तौल लिए घूम रहे हैं। पर काका, मैं आपसे जैसी बातें मत करो। मैं हमें यहाँ से जाना ही होगा, हमारे यहाँ रुकने पर हालात बिगड़ रहे, सुधर नहीं रहे, और फिर जब मामला शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे ना। देखो, इस वक्त यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। मुझे जान की परवाह नहीं है, मुझे बस ये लड़ाई लड़नी है, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। लड़ो लड़ो, लेकिन दिल्ली जाके लड़ो ना। अब ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ ने ये घड़ी लड़की को गिफ्ट की हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से माँ को गिफ्ट की थी और माँ के लिए बेहद इम्पोर्टेंट थी, कहीं उनसे गुम हो ना जाए इसीलिए उन्होंने तिजोरी में संभाल कर रखी थी। ओह माय गॉड, अब मुझे सारा खेल कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कैसा खेल? जिसने माँ को मारा, तिजोरी लूटी और ऑफिस में आग लगाई, उसी के पास ये घड़ी हो सकती है। और ये तो रमन की भतीजी है, रमन ने उसे घड़ी दी है। तुम कहना चाहती हो कि सरयू और रमन? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हत्यारे ने घड़ी बाजार में बेच दी हो या किसी को दे दी हो, फिर घड़ी वापस उस लड़की के पास आ गई। हो सकता है, पर ऐसा है नहीं। प्रबंधक कमेटी में माँ के अलावा कौन कौन है? सरयू, बसेसर, आदिवासी और पंच। इनमें से ऐसा कौन है जिनका गाँव में रुतबा है जो ट्रक ड्राइवर और कोयले के ट्रक को काबू में रख सकता है? सरयू और बसेसर, क्योंकि वो जानते थे कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आदिवासी कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासियों के लिए तो माँ देवी थी और बसेसर की तरफ शक की सुई मोड़ना उनके लिए आसान था। और क्यों और कैसे? और वो सुभाष कश्यप की हत्या, कोयला माफिया, कंपनी के जिम का चुप रहना, उस सब का क्या? उन सब सवालों का ही तो जवाब हमें ढूंढना है। इस रिपोर्ट से जो आप परिणाम निकाल रही हैं, इन्हें आप साबित कैसे करेंगे? मनोहर, उस ड्राइवर का पकड़े जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक वही है
जो हमें सब सच सच बता सकता है। रमन और सरयू के फोन रिकॉर्ड से हम उसका पुराना नंबर निकाल सकते हैं, और अगर उसने अपना प्रोवाइडर चेंज किया होगा तो रमन और सरयू के आउटस्टेशन कॉल से हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा। शायद वो उन दोनों के संपर्क में हो। बस एक कॉल अगर उसका मिल जाए ना तो हमें मनोहर को ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, मैं कोर्ट से रमन और सरयू के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाने की परमिशन लेता हूं। थैंक यू। मनोहर कौन आ गए? तू मनोहर है? कौन जानना चाहता है? तेरा बाप। रुक ते बता। इंजीनियर सुभाष का शव को क्यों मारा? बता। तू सब रमन और सरयू ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे साथ, अब बोला था एक्सीडेंट के बाद गांव से अपने परिवार को लेकर भाग जाओ साहब, और ये भी बोला था साहब गांव की पुलिस इस केस को एक्सीडेंट समझेगी साहब। इसका मतलब स्थानीय पुलिस भी बाप बेटे से मिली हुई? अरे लेकिन हुआ क्या है? मेरी बात तो अरे सब पता लग जाएगा। चल कहाँ ले जा रहे? अरे छोड़ दीजिए, चलो ले चलो इसे, चलो चलो चलो। अरे चले चलो, हाँ देख लेंगे देख लेंगे। क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया ऐसा? बोलो क्यों किया? बता। बाकी सब आदिवासियों की तरह हमें भी अपनी जमीन का मुआवजा मिला था। हमारी जमीन का तो पट्टा भी बड़ा था, 25 लाख रुपए मिले थे उस वक्त। हमने सोचा इतने सारे पैसे तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आदतें बनती गई, अयाशियां बढ़ी, धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। पता नहीं सारे पैसे खत्म। प्रबंधक कमेटी में काम करते वक्त माँ ने हमें सब कुछ सिखाया था। कोयले की खदानों से लेकर रेल यार्ड तक का ट्रांसपोर्टेशन हम संभालते थे, और फिर 1 साल पहले इंस्पेक्टर ने हमें थाने बुलाया। इंस्पेक्टर को हमारी माली हालत के बारे में पता था, उसने हमें समझाया कि सरयू ये कोयले की नहीं सोने की खदान है, तुम करोड़ों कमा सकते हो, यहाँ बैठकर लाखों के लिए रो रहे हो। पर कैसे? ये जो ट्रक तुम संभालते हो ना, यही ट्रक तुम्हें बैठे बैठे करोड़पति बना सकते। जीएम साहब के बाकी राज्यों के कोयला माफिया से संपर्क हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है सरकारी दफ्तर में कौन से विभाग में किसे क्या खिलाना है, कोयला कहाँ पहुँचाना है, कहाँ बेचना है। उन्होंने कहा बाकी सब मैं संभाल लूँगा, हमें तो सिर्फ अपने ट्रक देने थे। बसे सर के मजदूरों का नेता होने से हमें फायदा ही हुआ। जेम साहब ने आदिवासियों को मजदूरों से लड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। भाभी इस सब में उलझी रही, उसे हम पर पूरा भरोसा था, हम अपना पैसा कमाने लगे। पहली बार परेशानी 1.5 महीने पहले आई जब वो इंजीनियर सुभाष का शव काम करने आया, उसे पता चल गया कि कोयला चोरी हो रहा। उसने माँ और जीएम से शिकायत कर दी, जीएम साहब ने उसे खरीदने की कोशिश की लेकिन वो बिकाऊ नहीं था। माँ को पता चल गया था चोरी हम कर रहे थे। मनोहर के द्वारा हमने इंजीनियर को तो रास्ते से हटा दिया, पर अब माँ को हम पर शक आ गया, इसीलिए हमने माँ को मुझे माफ ही कर दो माँ। लेकिन वो जो 2 लोग मारे गए वो कौन थे? वो सब इंस्पेक्टर ने करवाया था, मेघा दीदी को और आपको इन सब से दूर रखने के लिए। आप पर हमला भी पुलिस वालों ने करवाया था। बेशरम मोती, वो मां से बढ़कर उसने तुझे प्यार किया, तूने अपने हाथों से उसे मार दिया, अरे जानवर से बदतर है तू। क्यों बोल, क्यों किया तुझे ऐसा? बोल क्यों किया?
मेघा ने अपनी माँ के हत्यारों को पकड़वा तो दिया, लेकिन इस कत्ल की जो निर्मम सच्चाई सामने आई, उसने मेघा सहित पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। इतने दर्दनाक हादसे से गुजरने के बाद भी आदिवासियों के प्रति मेघा का रवैया हमेशा आदर पूर्ण और स्नेह भरा रहा, और उसने अपनी माँ के आदर्शों पर चलते हुए अरुणा सेन के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाया जो आज भी आदिवासियों के हितों के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये देश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के बढ़ते प्रभाव का ही संकेत है कि उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को अक्सर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, और ये स्थिति किसी एक राज्य की नहीं है। भ्रष्टाचार और व्यवस्था की खामियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, जिन्हें विसल ब्लोअर्स भी कहा जाता है, आज पूरे देश में उन पर खतरा मंडरा रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए ना तो अलग से कोई कारगर संस्था है और ना ही प्रावधान। ऐसे में बेहद जरूरी है कि सरकार विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, और साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी कि हम इन लोगों का उसी बहादुरी से साथ दें जिस बहादुरी से ये लोग करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तभी अरुणा सेन जैसी बहादुर महिलाओं की लड़ाई मुकम्मल। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, सॉफ्ट फाइट।